हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोफेसर टेक इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड हम इस चैनल पे बात करते हैं पीसी हार्डवेयर, गेमिंग एंड अदर बकचोदियों के बारे में। तो गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं GTX 1650 का रिव्यू। ये कार्ड हम लोगों को दिया गया है गैलेक्स की तरफ से, तो थैंक्स अ लॉट टू गैलेक्स फॉर सेंडिंग मी दिस रिव्यू सैंपल एंड गैलेक्स G4 GTX 1050 X1 क्लिक OC एडिशन, जो कि 4GB DDR5 के साथ आता है। नाउ ये कार्ड हम लोगों को अमेजोन पे 12,240 रुपए का मिल जाता है। नीचे लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको सीधा खरीद सकते हो। हाउएवर ये कार्ड थोड़ा सा खास है। पहले बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो गाइज, इसका परफॉर्मेंस अगर तुम कंपेयर करोगे बाकी के कार्ड से, फॉर एग्जांपल AMD के RX 570 से या AMD के RX 580 से या GTX 1050 Ti से, दिस इज नॉट ए कंपैरिजन रिव्यू। द रीजन बीइंग मेरे पास बाकी के एक भी कार्ड नहीं है जिसके साथ मैं इसका रिव्यू कर सकूं। हाउएवर ऑन द एवरेज RX 570 से ये अराउंड 10% स्लो है डिपेंडिंग ऑन द गेम यू आर प्लेइंग। GTX 1050 Ti से ये अराउंड 20 से 25% फास्ट है डिपेंडिंग ऑन द गेम वी आर प्लेइंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बिकॉज हम लोग थोड़े टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो ये TU117 GPU पे बना है, जो कि एक नया GPU है ट्यूरिक कोर का। हाउएवर इसके अंदर हमको टेंसर कोर्स एंड रे ट्रेसिंग यानी RT कोर्स नहीं मिलते हैं। सो उसको माइनस करने के बाद ये इस बार का NVIDIA का सबसे वीकेस्ट कार्ड है। अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर हम लोगों को 896 CUDA कोर्स मिलते हैं। जनरली तुम लोगों को 1485 MHz का कोर क्लॉक एंड 1665 MHz का बूस्ट क्लॉक देखने को मिलेगा। 8GBPS की GDDR5 मेमोरी मिलेगी। मेमोरी बैंडविड्थ अगेन 128 बिट का मिलता है एंड 4GB का VRAM मिलता है। साथ ही ये 75 वॉट्स के TDP पे आता है, यानी कि आपको एक्सटर्नल पावर कनेक्टर को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदरबोर्ड के PCIe X16 स्लॉट से इसे खींच सकता है। एंड वहीं पे ये TU117 का चिप है, इसका मतलब इसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं, जो चिप है, वो TU116 जो हमको GTX 1660 या GTX 1660 Ti में देखने को मिलता है वो नहीं है, उसका कट डाउन वर्जन है। सो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो गाइस, टोटल हम लोगों ने 11 गेम्स इस पे हम लोगों ने ट्राई किया, जिसके अंदर सारे पॉपुलर गेम्स PUBG Lite, इसके अलावा Fortnite एंड कुछ नए AAA गेम्स भी हम लोगों ने ट्राई किए हैं। सो दैट इस कार्ड से हम लोगों को कितना परफॉर्मेंस मिल सकता है वो चेकआउट कर सकें। एंड इसके साथ मैंने सिर्फ इस कार्ड को एंड राइजन 7 1700 को मिला के एक सिस्टम जो मेरा करंट है उस पे मैंने स्ट्रीम भी करने की कोशिश की एंड वो स्ट्रीम हुआ। सो दैट इज व्हाई इफ यू हैव अ गुड CPU देन तुम इस कार्ड से गेम खेल के एक अच्छा एंड स्टेबल स्ट्रीम कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग व्हिच इट इज गुड अबाउट इज, अगर आपके पास एक पुराना PC है एंड आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पुराना i3 है i5 है, उसके साथ अगर इसको अपग्रेड करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने एग्जिस्टिंग पावर सप्लाई यूनिट पे ही इसको यूज कर पाओगे, बिकॉज ये मदरबोर्ड से ही पूरा पावर खींचता है। सो लेट्स से तुम्हारे पास थर्ड फोर्थ जनरेशन का कोई i5 है या i3 CPU है, उसके साथ तुम इस कार्ड को लगाओगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट हो जाएगा एंड तुम सारे गेम्स खेल पाओगे। अब बात करते हैं गैलेक्स की स्पेसिफिक इस कार्ड की। तो बिकॉज ये एक वन क्लिक OC एडिशन है, तो हमको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलता है। जनरली आप लोगों को जो क्लॉक स्पीड देखने को मिलेंगे वो अराउंड 1900 MHz का मिल जाएगा जब ये गेम खिला रहा होगा उस टाइम पे। अदरवाइज इसका जो वन क्लिक OC है उसको यूज करके आप 1695 का बूस्ट क्लॉक तक जा सकते हो। अदरवाइज जो स्पेसिफाइड है दैट इज 1680 MHz, बट GPU बूस्ट 3.0 जो काम करता है NVIDIA का, उसकी वजह से इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो जनरली 1.9 GHz या 1900 MHz को टच करता रहता है। अगर आप इसको ओवरक्लॉक करते हो तो यू विल गेट सम मोर परफॉर्मेंस। मैंने इसको अभी ओवरक्लॉक नहीं किया है, वो आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा। साथ ही इसके अंदर जो डिस्प्ले कनेक्टर्स हैं हमको तीन मिलते हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4, एक HDMI 2.0 एंड DVD-i D पोर्ट। सो VGA पोर्ट नहीं है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। इसका जो डायमेंशन है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, दो स्लॉट का ये जगह लेता है। 196 mm का ये लेंथ है इसका, यानी कि आप इसको आप अपने पुराने PC में भी लगाते हो तो सिर्फ 20 cm का इसको स्पेस चाहिए, उसी में ये फिट हो जाएगा। बट दो पावर स्लॉट ये लेता है, दो PCIe एक्सप्रेस स्लॉट ये लेता है, ये चीज ध्यान रखना। साथ ही मैक्सिमम पावर जो है दैट इज 75 वॉट्स है एंड किसी भी 300 से ऊपर के PSU वाले किसी भी सिस्टम पे आप इसको चला लोगे, दैट इज वन गुड थिंग विद दिस कार्ड, बिकॉज एक्सटर्नल पावर कनेक्टर एक भी यूज नहीं होता है। सो दैट इज वाई दिस कार्ड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे नीचे आपको ये आप कह सकते हो कि अगर बिना पावर कनेक्टर वाला सबसे अच्छा कार्ड यही है GTX 1650। नाउ जब हम लोग बात कर रहे थे जब इसका लॉन्च हुआ तो डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू कि NVIDIA ने सही शायद नहीं किया है, बिकॉज
वो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते थे इस कार्ड के साथ, एटलीस्ट वो RX 570 को बीट करने के वाला परफॉर्मेंस दे सकते थे। हाउएवर मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट 75 वॉट्स के TDP पे, यानी कि 75 वॉट्स जो बोर्ड पावर वो खींचता है उस पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो। However, we were still quite disappointed on that. Still, this card is very good and इसने मेरे को कुछ गेम्स में तो काफी इम्प्रेस किया है। जो गेम्स में खेलता हूँ जनरली उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। अच्छा मतलब अगर आपको 60 FPS चाहिए ऑन मिक्स सेटिंग्स तो ये आपको करा देगा। सो दैट इज वाई दिस कार्ड इज आई थिंक तुम लोगों को सोचना चाहिए अगर तुम लोग एक डिसेंट बेसिक ग्राफिक्स कार्ड के साथ एक गेमिंग सिस्टम बनाना चाहते हो। 11,000 का ग्राफिक्स कार्ड, 6,000 से 8,000 का CPU, तो 30,000-35,000 के बजट पे ये तुम सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके लिए बिकॉज तुमको एक बहुत ही हाई फाई PSU की जरूरत नहीं है, हाई फाई कैबिनेट की जरूरत नहीं है, सो दैट इज वाई दिस कार्ड आई थिंक make sense on some levels. However, अगर तुम 70,000 से 80,000 का बजट है या फिर 50,000 प्लस का ही बजट है तो यू शुड नॉट कंसिडर दिस कार्ड। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस कार्ड ने कितने FPS निकाले हाई एंड उसके जो भी गेम का सबसे हाई सेटिंग था उस पर। तो CSGO पे हम लोगों ने चेक किया, उस पर हमको एवरेज FPS मिला 175 का, मिनिमम था 122 का, 1% था 69 FPS का। सो 175 मतलब काफ़ी अच्छा गेमिंग इसने कराया, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो उसका फुटेज। ये फुटेज मैं कंटिन्यूसली चलाता रहूँगा गेम के बाद गेम का, सो यू गाइस कैन एंजॉय ऑल द फुटेज टिल द एंड। इसके बाद बात करते हैं Far Cry New Dawn की। नाउ ये एक बहुत ही डिमांडिंग टाइटल है एंड इस पे हमको एवरेज अल्ट्रा सेटिंग्स पे मिला 51 का, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। GTX 1050 Ti इस पे सही में मार करता था, अराउंड 35 से 40 FPS तक ही दे पाता था। हावर दिस कार्ड हैज़ डिलीवर्ड समथिंग गुड, 51 FPS एंड गेम प्ले में कोई इशू नहीं है। साथ ही मिनिमम हमको मिला 39 FPS का, 1% था 21, सो काफ़ी स्मूथ गेमिंग इसने करा दिया था। रेनबो सिक्स सेज अपना अगला गेम है जो कि एक मल्टीप्लेयर टाइटल है एंड इस पर हमको मिला 120 FPS विद अ मिनिमम ऑफ 75। सो आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट FPS मिला हमको रेनबो सिक्स सेज में एंड अगर तुम लोग इस पर एटलीस्ट 144Hz पे भी गेमिंग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। साथ ही इसके साथ हमको 1% लो मिला 78 का, विच इज़ क्वाइट डिसेंट एंड ड्रॉप्स ज़्यादा नहीं थे। फिर बात करते हैं पबजी PC का एंड पबजी PC में हमको एवरेज अल्ट्रा सेटिंग्स पे मिला 50 FPS का, मिनिमम था 43 का एंड 1% था 27 का। नाउ मैंने पबजी को स्ट्रीम किया है सिंगल PC पे राइजन 7 1700 के साथ, CPU एनकोड करके मैंने स्ट्रीम किया था, सो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। हाउएवर वी वर गेटिंग मोस्टली मिक्स सेटिंग्स पे 60 से ऊपर का FPS जब हम खेल रहे थे। तो अगर तुम लोग मिक्स सेटिंग्स पे गेमिंग करना चाहते हो, जो कि तुमको करना चाहिए अगर तुम लोग गेम खेलते हो, तो उन दैट केस दिस GPU इज़ एनफ फॉर यू टू गेम एंड अगर एक अच्छा CPU रहेगा तो तुम उस पर स्ट्रीम भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबके फेवरेट GTA 5 से एंड GTA 5 पे अल्ट्रा सेटिंग्स में हमको मिले 56 FPS, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। 60 कभी कभी हिट कर रहा था, मैक्सिमम इसका 80 FPS तक गया था, मिनिमम था 41 FPS एंड 1% लोस थे 39.8 FPS। सो देख सकते हो 60 को टच नहीं कर पाया, ओवरक्लॉक करेंगे तो 60 तक पहुंच जाता। हाउएवर GTA 5 में भी इट वॉज क्वाइट डिसेंट बिकॉज GTX 1050 Ti आपको ये कार्ड जो है अराउंड 42-43 FPS दे रहा था जब हम लोग GTA 5 को अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल रहे थे। फिर एक गेम था Devil May Cry 5 जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खेलने में, बहुत ही स्टाइलिश गेम है। उस पर हमको एवरेज मिला बहुत अच्छा, दैट इज़ 81 FPS, वो भी एक्सट्रीम सेटिंग्स पे जो उसका था, बट जो मिनिमम फ्रेम रेट्स थे जो 1% लोस थे बहुत ही ख़राब थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अटक रहा था, स्टटर होता है। उसका रीज़न ये था कि उस सेटिंग्स पे यानी अल्ट्रा सेटिंग्स पे उसको जो VRAM चाहिए था दैट इज़ मोर देन 4GB एंड वहाँ पे ये GPU जो है ये मार खाया है। सो अगर तुम लोग कोई भी गेम खेलते हो अल्ट्रा सेटिंग्स पे एंड तुम्हारे GPU का VRAM लिमिट हिट करता है तो तुमको ये सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली इस कार्ड के साथ हमको देखने को मिला। फिर बात करते हैं शैडो ऑफ द टोम रेडर की एंड इस पे हमको अल्ट्रा सेटिंग्स में मिला 31 FPS, विच इज रियली हाफ ऑफ व्हाट वी वांटेड 60 FPS, मिनिमम था 22 FPS का, 1% था 25 FPS का। तो बट द गेम प्ले वॉज स्मूथ, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे अपने देखोगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट द गेम प्ले वॉज वेरी स्मूथ। जो गेम प्ले मैंने कैप्चर किया है वो एक्सटर्नल कैप्चर कार्ड से किया है, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गेम जो है उसका परफॉर्मेंस लैग किया है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक दिस कार्ड मेड अ लॉट ऑफ सेंस। अगर तुम लोगों को सिंगल प्लेयर गेम खेलने हैं, स्टोरी मोड वाले गेम खेलने हैं, तो दिस रियली मेक सेंस। फिर बात करते हैं पबजी लाइट की एंड इस पे हमको मिले 175 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स पे, विच इज़ क्वाइट नाइस, 1% भी बहुत अच्छा था 136 FPS का एंड दैट इज़ हाउ यू कैन गो अहेड विद दिस GPU।
नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टाइटल की, वो है स्नाइपर इलीट, जो कि एक DX 12 टाइटल है। इस पे ये कार्ड सही में मार खाता है, 26.4 FPS इसको मिला इस पे, एंड मैक्सिमम जो मिनिमम जो FPS था दैट इज 19.1% लोज भी 19 FPS था। सो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टाइटल्स ट्रिपल ए गेम्स जितने भी हैं तो उस पर यह कार्ड मार खाता हुआ दिखता है। डेफिनेटली कोई इसमें दो राय नहीं है कि फॉर दीज डिमांडिंग टाइटल्स हम लोगों को ग्राफिक्स क्वालिटी को कम करके खेलना पड़ेगा। फिर बात करते हैं मेट्रो एक्सोडस की, एंड यहाँ पे हमको मिलता है 43 FPS ऑन एन एवरेज ऑन एक्सट्रीम सेटिंग्स, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। मेट्रो बहुत ही डिमांडिंग टाइटल है, लोगों की ले लेता है। उसका रीज़न ये है कि उसको 4GB से ज़्यादा का VRAM चाहिए होता है। हाउएवर इस कार्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 43 FPS हमको एवरेज पे मिला, मिनिमम मिला 25.1% था 26 का एंड 1.1% है 25 का। फाइनली फोर्टनाइट जो कि एक मल्टीप्लेयर टाइटल है, अगेन उस पर बहुत ही डिसेंट एवरेज है, 67 FPS का मिनिमम था 56 एंड 1% लोज भी बहुत अच्छा है 47 FPS का। तो गाइस देख सकते हो जो ट्रिपल ए गेम्स हैं, जो नए गेम्स हैं जो आए हैं जिसको 4GB से ज़्यादा VRAM चाहिए ऑन एक्सट्रीम सेटिंग्स, वहाँ पे ये कार्ड जो है वो मार खा रहा है। हाउएवर ऑल दोज गेम्स जो भी मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, जो भी ई स्पोर्ट गेम्स हैं, वहाँ पे ये कार्ड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। एंड दिस कार्ड्स ओनली मेक सेंस जब आप एक पुराना पीसी बना रहे हो, उस पीसी के साथ आप को अपग्रेड करना है उस पीसी को, आपके पास एक पुराना ग्राफिक्स कार्ड है GT710, GT720, 730 एंड उन कार्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो दिस कार्ड मेक सेंस। एट 12,000 रुपीज आपको RX 570 मिल जाएगा, 4GB एडिशन। हाउएवर जो गेम्स हैं जिसमें VRAM का लिमिट है, उन गेम्स में वो कार्ड भी इतना ही मार खाता है जितना ये। हाउएवर ऑन द प्लस साइड, वो कार्ड अगर आप खरीदोगे तो ई स्पोर्ट टाइटल में इससे आपको 10-15% ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट उसमें आपको एक्सटर्नल पावर कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इस कार्ड में कोई एक्सटर्नल पावर कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप लिटरली किसी भी चाहे आपका कितना ही पुराना पीसी हो उसमें आप इसको डाल सकते हो एंड आपका ये गेम खिला देगा। साथ ही जो दूसरी चीज़ है, रिकॉर्डिंग करने के लिए इसमें आपको वोल्टा का एनकोडर मिलता है, ना कि ट्यूरिक का। ट्यूरिक का एनवेक एनकोडर इज रियली गुड, इट इज़ उसका जो क्वालिटी है दैट इज़ एज क्लियर एज द X264 का फास्टर क्वालिटी। हाउएवर इसमें हमको वोल्टा का एनकोडर मिलता है विच इज़ नॉट एज अप टू द मार्क, बट इट इज़ नॉट एज बैड एज पास्कल एज वेल। सो तो गाइज आई होप तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स इसे क्लियर हो गए होंगे। दिस वॉज वन अनबायस्ड रिव्यूज एज पर मी, बिकॉज इसके अंदर मैंने तुमको सारे जितने भी ई-स्पोर्ट टाइटल से लेकर एक्सट्रीम एडिशन वाले जितने भी गेम्स हैं, ट्रिपल ए टाइटल्स हैं, उन सभी का गेम प्ले फुटेज एंड उनके परफॉर्मेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो से याद है अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके, तुम लोग मेरा कोई भी वीडियो ना मिस करो। साथ ही इस कार्ड के साथ मैं और बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट बनाने वाला हूँ, सो आई होप तुम लोगों को अगर ये उन सारे कॉन्टेंट्स में इंटरेस्ट है तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दिया होगा। फिर मिलते हैं गाइज अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम टेक ट्यूबलाइट।